नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और इसमें अमेरिका टॉप पर है। अभी तक अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 44,33,410 लोग संक्रमित हैं और लगभग 1,50,448 लोगों की मौत हुई। इसी बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्रायन अमेरिका में बड़े शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए। व्हाइट हाउस ने इस खबर की पुष्टि की। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि रॉबर्ट ओब्रायन में पहले कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए थे, इसके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था। हालांकि जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो वो संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को कोई खतरा नहीं है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को संक्रमण की चपेट में आने का खतरा नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का काम बेरोक टोक चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। इसी बीच अमेरिका में चुनाव की भी तैयारी चल रही है और कहा जाता है कि कोरोना भीड़ भाड़ से अधिक फैलता है। देखना होगा कि आगे चुनाव के समय और रैलियों में क्या होता है। वैसे पूरी दुनिया में अमेरिका अभी भी टॉप पर है।